जी मेरा सवाल ये था कि जो शिव जी थे वो चार शादी किए हैं, ठीक है, लेकिन वो जो चारों शादी जो है वो एक ही औरत से हुआ था या फिर मतलब अलग अलग औरत है? तो ये चीज मुझे मतलब थोड़ा सा, ये तो मैं क्लियर हूँ, लेकिन अगर आप जरा इस पे पुष्टि कर देंगे देखिए तो सिस्टर, अपना टिप्पणी सिस्टर कर पता क्या देंगे तो. बात है, पता क्या बात है कि सबसे मेरी सजेशन ये है, पता चल जाए कि एक से की थी, 20 से की थी, वो तो मर्दों को भी नहीं छोड़ते थे, उनमें से भी बच्चे निकाल लेते थे। उन्होंने अग्नि देव को नहीं छोड़ा, उन्होंने जिस जिस अंदाज से बच्चे पैदा किए हैं, मैं वो यहाँ पर आपके सामने बयान नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ 20 से की थी, एक से ही की थी, उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखना यह है कि शिव जी जो करेक्टर हमारे पास मौजूद है, जिसकी मूर्ति की स्थापना करके प्राण डाल के तो उसकी पूजा उपासना की जाती है, उन्होंने क्या आपको दिया है, तालीमात क्या है उनकी, कहाँ पर है? एक क्रूअल नंगा इंसान। और अगर वो आप पूरी कथा पढ़ें, आप शिव पुराण पढ़ें, तो आंखें शर्म से झुक जाती हैं। दूसरे लफ्जों में देखें कि एक गैरतमंद पति जो होता है, आपने पति की बात की, तो चले मैं इस हिसाब से एक दो पॉइंट आपके सामने रखूंगा। शिव जी की पत्नी थी सती देवी, पहली जो उनकी मिसिज थी। तो पहली रात जो शादी की है, उस दिन ब्रह्मा जी उनके पास चले जाते हैं और उनका बार बार घूंघट उठा रहे हैं, और यहाँ तक कि वो ड्रॉप हो गए 4 दफा। इसी तरह दूसरी बार शादी की है, ब्रह्मा जी फिर यानी अटपके। अली अली सॉरी सॉरी अली भाई, यानी क्लियर कर दें कि पत्नी शिव जी की थी और सुहागरात के लिए चले गए ब्रह्मा जी, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, और सिर्फ ये नहीं ओहो हुआ, मसला मसला ये है कि ब्रह्मा जी चले जाते कोई मसला नहीं था, ब्रह्मा जी चले गए, उन्होंने जाके घूंघट उठाया है, और सती देवी को भी पता घूंघट ब्रह्मा उठा रहा है, और वो एक बार नहीं उठाया उसने, बार बार उठाया, और सती देवी भी कुछ नहीं कह रही, यहां तक कि वो सामने डिस्चार्ज हो गया है, और एक बार अली। नहीं 4 दफा हाँ हुआ है। अली भाई, आपको कंफर्म है कि घूंघट ही उठाया था? क्योंकि घूंघट तो एक बार उठता है, आप कह रहे हैं 3-4 बार उठाया। नहीं, वो जी नीचे फेंक देता था सॉरी। ना, वो नीचे अच्छा फेंक अच्छा देता ठीक था फिर उठा लेता, अच्छा ठीक है, फिर सही है। तो जी इस तरह करके उसने, और बार बार उठा के, और सती देवी भी उन्हें नहीं रोक रही है और ना ही ब्रह्मा जी रुक रहे हैं, यहाँ तक कि वो ड्रॉप हो रहे हैं। तो आप उसको भगवान मानेंगी जिसको पता ही नहीं कि उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है, और वो अब दूसरे भगवान जो हैं, और पत्नी की बात सुन, पार्वती जी जो हैं वो एक दफा ऐसा हुआ कि विष्णु जी उनसे मिलने के लिए आए, गणेश जी बीमार पड़ गए, तो शिव जी ने देख लिया कि ये तो गप्पे शप्पे लैदा मार रहे हैं दोनों, विष्णु जी और पार्वती जी, तो वो कहते हैं कि तुम ना अब चली जाओ, इसी के पास चली जाओ। तो वो क्या कह रही है आगे से, वो कह रही है कि देखो धर्म में इजाजत नहीं देता, अगले जन्म में मैं विष्णु के पास चली जाऊं, इस जन्म में अब मैं भुगतूंगी तुम्हें। तो ये अरे करेक्टर है, और देखो कि ये तांडव वाली बात जिसकी जिसकी बुनियाद के ऊपर बड़ा उठाया हुआ जी, शिव जी ये है, रुद्र रूप है, फलां है, ढींग है, रुद्र रूप नहीं है वो, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है सिर्फ। भगवान अच्छा पुरुष, भगवान तो बड़ी दूर की बात है, ईश्वर बड़ी दूर की बातें, एक अच्छा पुरुष भी ऐसा बिहेव नहीं करता। वहां पर जो जब सती देवी ने आत्महत्या की है, उसके ऊपर मैंने बड़े जबरदस्त प्रोग्राम किए हैं, थोड़ी डिटेल से आपको देखना चाहिए। आत्महत्या अपनी बीवी कर रही है, पत्नी कर रही है, सजा दे रहा है, अदिति देवताओं की माता की नाक कटवा रहा है, किसी की मूछें निकाल दी, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की गर्दनें उतार दी, ये दंगा और फसाद है भाई। अपनी पत्नी को समझाओ ना, अगर आपको वहां पर आमंत्रण नहीं किया गया तो क्या लेने भेजा अपनी बीवी को, पत्नी को खुद भेज रहे हैं आप, अपनी खुशी से अपनी इच्छा से भेज रहे हैं कि जाओ भी जाओ। वहां पर जाके वो बात ये होती है कि वो कहती है कि क्यों नहीं बुलाया, बस जस्ट मैं ये छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा बहुत मुख्तसर करके, तो उस बंदे की बात सुनिएगा, मैं आपसे भी एक चीज जानना चाहूंगा। वो पूछती है जाके दक्षा से अपने वालद से कि आपने सबको बुलाया तो क्यों नहीं आमंत्रण किया आपने मेरे पति को, तो दक्षा कहता है, देखो कितनी प्यारी बात की दक्षा, दक्षा कहता है कि देखें यहाँ पर कितने मुहज्जब लोग मौजूद हैं, तुम्हारा पति कपड़े ही नहीं पहनता, मैं उसको किस तरह से बुलाऊं, अपने जिस्म के ऊपर उसने गंदगी मली हुई है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टर, आपके घर में एक इवेंट होता है, तो क्या आप ऐसे बंदे को आमंत्रण करेंगी जिसने पोटी मली हुई हो अपने जिस्म के ऊपर, खाक मली हुई और नंगा हो, बड़े मोजज लोग हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपकी माता पिता हों, बहन भाई हों, और सबको बुला के चाचू ताऊ को, बाद में आप एक ऐसे बंदे को बुलाएं जो नंगा हो, तो दीदी ये ने बात झाड़ू से पीट झाड़ू से पीटना है ऐसे बंदे को, घर के पास नहीं आने देना, मुझे पता ना दीदी का। पूछ जी, ले तो अली अमर भाई, आपने बात तो कर दी, उनसे तो पूछ लीजिए। जी सिस्टर, क्या जी सर, कहेंगी? सिस्टर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अमर भाई ने अभी एक बात कही,
ऐसा बंदा जो आप अपने घर में उसको इनवाइट करेंगे? सबको बुलाने के बाद बिल्कुल नहीं। क्या दिया है फिर? अच्छा, नंबर एक ये चीज, दूसरा पॉइंट ये ले लें कि शिक्षा क्या दी है, शिव जी की तालीमात कहाँ पर हैं? आप वो जो भगवान थे, वो जो हम सबके लिए तशरीफ लाए थे, तो हमें कौन सी सोसाइटी दे के गए? खुद तो इतने अनसिविलाइज थे, तो क्या उन्होंने आए क्यों थे? मकसद जैसे भी सोचें, सबसे बात ये है कि जी उसने जिसम लिया ईश्वर ने और वो इसलिए आया कि इंसानों को समझाए, तो फिर ये समझा के गया कि नंगे रहना है। तो क्या वो शिक्षा कहाँ है, वो तालीमात शिव जी की कहाँ है? अगर आप पढ़ें तो आपकी आंखें शर्म से झुकती चली जाएं, जो पुराणों में लिखा हो दिखा दे, नहीं तो किसी को ले आए, किसी भक्त को ले आए, किसी पंडित को ले आए, उसे कहें कि शिव जी ने जो शिक्षा दी है कि जिंदगी आपने कैसे गुजारनी है, क्या ऐसे गुजारनी जैसे शिव जी गुजारा करते थे, ये कोई तरीका है? तो आपको देखे क्या कहें, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो जरूर कीजिएगा। हाँ सर, एक क्वेश्चन है मेरा इस्लाम से कि इस्लाम में क्या ये लिखा हुआ है कुरान में कि मतलब कि एक ईश्वर के सामने जो है मतलब कि अल्लाह के सामने जो है मतलब कि सजदा करना चाहिए, इसके अलावा किसी के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, ये बात सच है क्या? देखें, एहतराम के लिए किसी के सामने झुक जाना ये कोई मसला नहीं है, एहतराम है, किसी के सामने सजदा ना करना, उसको खुदा ना समझना, ये एक अलग से इशू है। लेकिन किसी की इबादत करना, पूजा उपासना करना, उसको इस लायक समझना और फिर उसके सामने झुक के उससे मांगना, वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अगर आप एहतराम के लिए किसी के सामने झुक जाते हो, जैसे आप हिंदू भाई बहन माता पिता के पांव छू लेते हैं, उसको ईश्वर थोड़ी समझ रहे हो, एहतराम के लिए अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं। दीदी दिक्कत पता है क्या है, जो आपने पूछा ना अली भाई ने, तो आपको बड़ा जबरदस्त क्लियर कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, जो इस्लाम में जो इबादत है ना, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, सजदा एक उसका पार्ट है। इबादत का मतलब क्या है? एक इबादत वर्ड को ना आमतौर पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं या न्यू मुस्लिम्स हैं वो नहीं समझ पाते। इबादत वर्ड जो है ये सिर्फ पूजा पाठ के लिए खास नहीं होता, यानी जो पांच वक्त मुसलमान नमाज पढ़ते हैं या रोजा रखते हैं या हज करते हैं या जकात देते हैं या कुछ सदका खैरात, इबादत सिर्फ इसके ऊपर नहीं आता। इबादत एक बिहेवियर का नाम है, एक करैक्टर है, जिस करैक्टर को आपने अचीव करना है, एक गोल है, ठीक है? वो इबादत का गोल क्या है वो आपने समझना। इबादत का मतलब ये है कि ईश्वर एक है, इस सृष्टि को बनाने में, इसकी रचना करने में, इसको संभालने में, इसका नाश करने में एक है, और उसी एक ईश्वर के दिए हुए धर्म का पालन किया जाएगा हर जिंदगी के कर्तव्य, हर जिंदगी के हर करैक्टर के अंदर। आप बाप बनोगे तो कैसे बनोगे, कैसे चलन करोगे, ये ईश्वर का धर्म आपको बताएगा। आप पति बनोगे तो कैसे, आप पुत्र बनोगे तो कैसे, आप शिष्य बनोगे तो कैसे, आप बेटा बनोगे तो कैसे, आप भाई बनोगे तो कैसे, आप बिजनेस करोगे तो कैसे, जिंदगी के जन्म से लेकर मरण तक सारे काम को किस तरह लेकर चलना है, इस काम का नाम होता है इबादत। अभी आप कह सकता है कोई कि तुम अपनी तरफ से कह रहे हो, इबादत वर्ड निकला है अब्द से, आइन बा दाल अब्द। अब्द का मतलब होता है स्लेव, जैसे दास बोलते हैं आसान भाषा के अंदर, मगर इसका जो इस्तलाही यानी टर्मिनोलॉजी जो बेस करती है वो करती है अपनी विल को निकाल देना और अपनी विल को अल्लाह के हवाले कर देना। इसीलिए हर मुसलमान अपने आप को अब्दुल्ला समझता है। अब्दुल्ला का मतलब होता है अल्लाह का बंदा, अल्लाह का स्लेव, अल्लाह का दास। ऐसा शख्स जिसने अपनी विल को अल्लाह के हवाले कर दिया उसको बोलते हैं अब्दुल्ला। तो ये अब्द वर्ड है, उस अब्द से निकला है इबादत। अब जो अब्दुल्ला अल्लाह की गुलामी करता रहेगा, एक ईश्वर की गुलामी करता रहेगा, वो इबादत करता रहेगा। जो उसमें से निकल जाएगा जिंदगी के किसी हिस्से में, वो इबादत नहीं करेगा। अब आपने जो सजदा लगा, सजदा एक पार्ट है उसका, इसीलिए हम सजदा भी अल्लाह के अलावा किसी को नहीं करते, यानी ना उसके किसी के सामने झुकते हैं, ना किसी के सामने हम इसलिए सर झुकाते हैं कि हम उसकी इबादत करते हैं। अब जो अली भाई ने पॉइंट रखा वो बड़ा प्यारा है, सम्मान, माता पिता उनका सम्मान करना, माता पिता के सम्मान कर सकते हैं। अगर कोई फ्रेंड है, ये मतलब कि कैजुअल फ्रेंड है, तो उसके सामने हाथ पैर जोड़ना या फिर ऐसा, ये सब बेकार है ना?
हाँ ये नहीं करेंगे आपने। हाँ ये नहीं, लेकिन एक मिनट, लेकिन जो है थोड़े देर पहले अशरफ सर ने जो है हाथ जोड़े थे हरि ओम भाई जो थे उनके सामने, ऐसा क्यों सर? हाँ इस्लाम धर्म नहीं में है उन्होंने फिर भी हाथ जोड़ रहे, ऐसा क्यों? नहीं उन्होंने उन्होंने गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। जो बात सही है ऑनेस्टली, क्योंकि आपके साथ मैं डॉज नहीं करूंगा जो बात सही नहीं, नहीं, उन्होंने कहा था कि राधे राधे, तो मैंने कहा भाई हम हैं बड़े सादे सादे। नहीं हाथ भी उन्होंने, जोड़ा था हाँ सर आपने, नहीं 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 मैं उन्होंने दिखा गलत किया। सकती हूँ। हाँ, मुझे पता है, वो आप सही कह रही हैं, वो आप सही कह रही हैं। जुल्फकार भाई ने एक दो बार पहले भी किया था, मुझे ये था मैं उनको बताऊंगा कि ये चीज हमने मजाक में भी नहीं करनी, मगर नॉर्मली। इसी तरीके से महाभारत में, रामायण में, पुराण में, ये इन सारी चीजों में मिलावट हो रही है इसी तरीके से। ओए होए 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 दीदी, यकीन करें जन्नाटेदार तमाचा है हम मुसलमानों के मुंह के ऊपर, जन्नाटेदार तमाचा यही हुआ है, यही हुआ है धर्म के साथ कि मजाक मजाक के अंदर गेम पलट गई। मगर जुल्फकार भाई को हम समझाते, जुल्फकार भाई बड़े प्यारे हमारे बड़े भाई हैं, जी वो हम क्षमा इंशाल्लाह करते ऐसा हैं, नहीं क्षमा करेंगे। बिल्कुल, मैं तो गलत मान रहा हूं ना, देखिए मैंने ये अगर किया है तो मैंने मान लिया गलत है भाई, नहीं इंशाल्लाह मैं कौन जुल्फकार सा भाई, आप स्टूडेंट हूं। दीदी दीदी के सामने अपने दर्शकों से भी, पब्लिक से भी इंशाल्लाह माफी प्रॉमिस मांगते करें। हैं, हाँ प्रॉमिस नहीं करें कि कहूंगा आप नेक्स्ट इंशाल्लाह नहीं करेंगे, ठीक है ना जी। नहीं, वो एक्चुअली किया तो मजाक में था, चले हम मजाक में भी नहीं करेंगे। नहीं, बहुत शुक्रिया दीदी, आपने इस तरफ हमारी इसलाह की और हम इसमें बुरा नहीं मानते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमें नहीं, जब कोई ये कहता है ना कि हमने एक अल्लाह के अलावा किसी के सामने ना झुकना है, मजाक में भी नहीं, शुगल में भी नहीं, तो ये बिल्कुल हम इसको सारंग पर रखते हैं। तौहीद कभी भी हमें परेशान नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, लेकिन हम मानते हैं जी, हम माजरा चाहते हैं, जो गलत बात है वो डंके की चोट पे कहेंगे, जी भाई गलत किया मैंने, हमें क्षमा कर दीजिए, जो गलत है वो गलत जबरदस्त है। जी। तो दीदी आई होप आपने तो समझ हाँ लिया होगा कि ये माता पिता के सामने जो सम्मान है, यानी हमारे यहाँ ये भी माना जाता है कि माता पिता के पाँव भी आप चूम सकते हैं, यानी माता पिता है ना, देखिए, क्योंकि बचपन में जब आप छोटे थे आपके माता पिता आपके पाँव चूमते थे, हाथ चूमते थे, आपसे प्यार करते थे, तो जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, आप बड़े हो जाते हो, तो वो बच्चे हो जाते हैं ना, आपने उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना है, ख्याल करना है, जी तो अपने माता पिता के पाँव चूमना, हाथ चूमना, माथा चूमना, उनकी टांगे दबाना, ये सारी चीजें, ये सम्मान के अंदर उनका ख्याल रखना, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। इसी तरह गुरु है, गुरु का हाथ चूम लेना, ठीक है, फीमेल यानी फीमेल फीमेल का, मेल मेल का, तो इसकी इजाजत मिलती है हमें इस्लाम के अंदर कि आप अपने टीचर का, गुरु का हाथ चूम सकते हैं। अगर कोई फीमेल है वो अपनी फीमेल टीचर का हाथ चूमना चाहती है, या उनको प्यार से गले लगाना चाहती है, या उनको सलाम पेश करती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सजदा और इबादत, यानी ये नियत नहीं होगी कि ये मेरे भगवान है, बेशक, बस दिल साफ होना चाहिए। तो जी दीदी जबरदस्त जबरदस्त। तो सर मेरा ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, मतलब इसी की वजह से मैं आई थी, तो ये क्लियर नहीं होगा क्या? ये क्या क्लियर, क्या मतलब? मतलब शिव जी जो है वो चार शादी किए थे, ठीक है, एक पार्वती जी से था, एक सती जी से था, और दो चीजें थी, तो वो मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है मेरे अंदर कि वो एक ही औरत थी जो मर के फिर उनसे की, फिर मरी, फिर उनसे शादी की, फिर मरी, या फिर वो मतलब अलग अलग औरतें थी, अलग अलग ये ही अगर आप औरतें, इनका। हाँ अलग अलग ही औरतें थीं ये। अली भाई असल में आपको बेस इशू की तरफ ले गए, वरना अली भाई ने इसके ऊपर प्रोग्राम किए हुए हैं पूरी डिटेल के अंदर। सती जी के मरने के बाद कैसे शिव जी तपस्या के अंदर मगन हुए हैं, तो पार्वती जी दोबारा उनकी जिंदगी में आई हैं उस गम को भुलाने के लिए, और पार्वती जी ने फिर शिव का पीछा, जैसे शिव जी सती के पीछे थे, पार्वती शिव के पीछे थी, ये लव ट्राइंगल। इसी तरह दूसरी, तो ये आपको पता चलना चाहिए वो और थी। हुआ क्या, मैं आपको ये चीज बताता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट आता है ना कि वही थी वही थी, हिंदू धर्म के अंदर ना, सनातन धर्म के अंदर ये कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है कि एक वर और एक वधु, जन्म जन्म का साथ। ये बात फैल गई, माता पिता ने बच्चों को घर बचाने के लिए ये बोल दिया कि अब तुम्हारी से शादी हो गई है, अब चूंकि शादी हो गई है, तुम्हारा विवाह हो गया, तो अब जन्म जन्म का साथ है, अब भला है बुरा है, मेरा पति देवता है, बस ये बात आपने सीख ली, 7 जन्म के लिए वो तुम्हारे साथ है। अब जब ये बात आ गई ना, तो दुख ये हुआ
अगले जन्म के अंदर तो मैं आऊंगी, तो मैं फिर किसकी, क्योंकि जन्म माने हुए थे। दीदी जरा गौर करना आपने कि कैसे ये बात बनती है, जैसे आपने भी बताया ना कि कैसे बदलाव आता है, चेंज। अब हुआ ये कि सवाल ये उठा जी कि अगले जन्म के अंदर कैसे पता चलेगा कि भाई ये मेरा पति है कि नहीं, ये फलाना है। तो ये मान लिया गया कि अगले जन्म के अंदर जो तुम्हारा पति होगा वो वही हुआ, उसको ही मानो कि वही वो है जो पिछले जन्म में था। ये बात शुरू हो गई। अब देखें, श्री कृष्णा ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अंदर ये बात करते हैं कि श्री कृष्णा जब कुब्जा के पास जाते हैं ना, तो कुब्जा डर जाती है रात के अंधेरे में ना, डर जाती है कि आप इधर क्या कर रहे हैं। वो बड़ी खूबसूरत बन गई होती है, तो श्री कृष्णा क्या कहते हैं, श्री कृष्णा कहते हैं असल में देखो, पिछले जन्म के अंदर तुम थी सूर्पनखा और श्री राम ने तुमसे विवाह नहीं किया, इस जन्म में मैं राम का अवतार बनकर आया हूं, क्योंकि राम जी भी विष्णु के अवतार थे। तो उन्होंने कहा राम विष्णु का अवतार था, कृष्णा भी विष्णु का अवतार है, तो इनडायरेक्टली मैं राम का भी अवतार हूं। तो उन्होंने ये बात कही कि देखो, सूर्पनखा गई थी, उसने विवाह करने की कोशिश की थी, राम ने रिजेक्ट कर दिया, तो इस जन्म में कुबजा जरा झुक जा, उन्होंने ये कह दिया और उसको सूर्पनखा समझ करके उसके साथ सारा कुछ कर दिया। अब मैं आपके सामने ये रखने लगा हूँ, ये जो ड्रामेबाजी की जाती है ना, फलां थे फलां थे फलां थे, इतनी शायद ये सारी ड्रामेबाजी है। अब आप इसकी एक और मिसाल, सॉरी मैं माधर चाहता हूँ, बात लंबी हो गई है, इसकी एक और मिसाल ले लें। दीदी श्री कृष्णा ने 16,108 भारियां रखी, बीवियां पत्नियां, मुख्तलिफ विवाह, कोई राक्षसा विवाह किया, कोई गंधर्वा विवाह किया, कोई ब्राह्मण विवाह किया, मुख्तलिफ किस्म के विवाह किए, और उनको रखकर उन्होंने किया 16,108। एक सनातनी हमारे पास आया, मैंने कहा यार 16,108 बीवियां आप लोगों ने लिख दी हैं, कैसे हुआ ये? तो उसने पता क्या बोला, दीदी चेक करना जरा, कहता है जी ये 16,108 श्री कृष्णा के अंदर से निकली थी, ये श्री कृष्णा ही था। मैंने कहा तुम ये कहना चाह रहे हो कि श्री कृष्णा पति भी था, पत्नियां भी था, और संभोग भी हुआ, और एक एक पत्नी से 10 10 पुत्र भी उत्पन्न हुए। मैंने कहा ये किस किस्म की लीला है, ये क्यों लिखा है, मुझे बताओ इसका 1% एडवांटेज मुझे बताओ जो इससे सीख मिलती हो। यानी 16,000 पत्नियां भी खुद, श्री कृष्णा भी खुद, बच्चे भी खुद, किया भी खुद, ये क्या है, इससे क्या सीख, मुझे 1 मिनट के लिए ये बता दो कि दुनिया को 1% भी इस कथन से कोई फायदा हुआ हो, जी क्या निकला है? इतनी सी बात। इसी तरह शिव का, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो अलग अलग औरतें थीं, उनका कथन है, अब उन्होंने लिंक कर दिया किसी तरीके से, तो पिछले जन्म को जन्म को जन्म से जोड़ना था, ये दिक्कत है। बिल्कुल आमिर भाई, आप ठीक फरमा रहे हैं। और देखा जाए तो पार्वती जी ने जब कहा कि अगले जन्म में मैं विष्णु के पास चली जाऊंगी, तो कहाँ गया वो 7 जन्म के वादे। हाँ, बिल्कुल, स्वयं देवी भगवान भागवतम की में, पत्नी है। सॉरी विष्णु, सॉरी विष्णु जी की कितनी पत्नियां थी प्रियंका जी? शायद मेरे हिसाब से, जहां तक हमको पता है, 3 हो 3। 3 पत्नी जी, 3 पत्नियां थी, बिल्कुल ठीक का। देवी भागवतम में लिखा हुआ है कि विष्णु जी की 3 पत्नियां थी, उन्होंने 3 पत्नियों से तंग आकर बांट दिया था। अब 3 पत्नियां अगर एक ही होती तो एक ही जन्म में कैसे थी? तो ठीक है, ये इन्होंने मल्टीपल पत्नियां की हुई थी, विष्णु के पास भी 3 पत्नियां थी, लड़ा झगड़ा, उसके बाद उसने एक ब्रह्मा के पास भेज दी, एक उसने शिव के पास भेज दी, हालांकि शिव के पास पार्वती भी थी। किसको भेजा था यार, वो मेरे पास रेफरेंस भी है उसमें, लक्ष्मी अपने पास रखी, सरस्वती ब्रह्मा को भेजी, और तीसरी कौन सी थी, क्या नाम है उसका यार, नाम निकल गया देन से। रेफरेंस है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा, रेफरेंस मेरे पास पड़ा हुआ है कि एक सरस्वती जो थी वो ब्रह्मा को दे दी, और लक्ष्मी खुद के पास रखी, और तीसरी कौन सी थी, देख नाम निकल गया, चले आता है, वो उसने शिव को दे दी थी, हालांकि शिव के पास पार्वती भी थी। अगर पार्वती एक ही होती, सती एक ही होती, दूसरी ना होती, गंगा, यस गंगा, थैंक यू, गंगा गंगा थी, गंगा सरस्वती और लक्ष्मी, ये 3 बीवियां थी विष्णु की। सरस्वती उसने ब्रह्मा के पास वापस भेजी, और लक्ष्मी अपने पास रख ली, और अपना जो गंगा है वो उसने दे दी शिव को, जबकि शिव के पास पार्वती भी थी। तो गंगा शिव की 3री पत्नी हुई अकॉर्डिंग टू द नंबर, सती, पार्वती और गंगा। ठीक हो गया दीदी?
जी सर। जी, बहुत शुक्रिया जी सिस्टर अमर भाई और अली भाई ने आपको जो टाइम दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? और जो रेफरेंस उन्होंने आपको दिए, तो मैं चाहता हूं कि आप अपना कोई कोई बताइए हमें, ताकि पता चले कि कहाँ तक आपको समझ आई है। अगर कोई प्रश्न हुए तो आप जरूर पूछिए। इनकी बातों जी में बिल्कुल आपने क्या सीख ली? जी। अभी जो मेरे पास एक दो क्वेश्चंस था उसका आंसर मिला। ठीक है, आप लोगों ने टाइम दिया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बस अब सवाल मैं जाना चाहूंगी। चलें, ठीक है सिस्टर, अपना ओके ख्याल रखिए और होली से बचिए। ये जो गुंडे घुमाटे हैं इनसे दूर रहिए, परहेज करिए, ये बहुत ठीक नहीं है। ठीक है सिस्टर। अमर भाई, आप जी। कुछ सिस्टर को जाते हुए कुछ कहना चाहते हो? अली भाई, नहीं, आप कुछ, ताकि हम चाहते हैं कि इनको अलविदा कर लें, तो नेक्स्ट टाइम जरूर आप आइएगा। ठीक है सिस्टर, फिर ठीक है जी सर, जी ये बिल्कुल, रिसर्च करें, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया, बात है, बहुत समझना शुक्रिया चाहिए जी। और आया, सीखना चाहिए और रिसर्च भी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारी प्रियंका सिस्टर, जिन्होंने आके गुफ्तगू की, और माशाल्लाह दोनों भाइयों ने बहुत अच्छे और इत्मीनान से उनको उनको सुना भी और उनको सुनाया भी, कि जो वो समझ रही थी। तो हमारे साथ